टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। सिकंदराबाद के राजमहल वेंकट हॉल में सर सैयद डे बहुत ही जोश और खरोश के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रोफेसर बीडी खान शिरकत करने सिकंदराबाद पहुंचे। इस दौरान बीडी खान ने कहा कि हम सभी को समाज से जहालत को मिटाने के लिए इल्म की शमा जलानी होगी। जबकि बीडी खान ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से अपने जीवन में एक वृक्ष अवश्य लगाने और उसकी देखरेख करने तथा सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान को सफल बनाने का संकल्प लेने की अपील की। वहीं कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि प्रोफेसर मोहम्मद अली जौहर, डॉक्टर मोहम्मद कमरुज्जमा तथा डॉक्टर जसीम मोहम्मद ने इस दौरान सर सैयद के जीवन, संघर्ष व उपलब्धियों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। बुलंदशहर जिले के सह जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर पूनम सिंह ने शिक्षा पर जोर देते हुए वहां मौजूद युवाओं से शिक्षा को अपना हथियार बनाकर समाज का विकास करने की बात कही। डॉक्टर दौलतराम शर्मा ने अपनी गजलों एवं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दृष्टि के गोशे गोशे से एक जूए हयात उबलती है। ये दस्त जुनू दीवानों का, ये बज्म वफा परवानों की। ये दस्त जुनू दीवानों का, ये बज्म वफा परवानों की। ये शहर प्रोग्राम यह था कि हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत सर सैयद अहमद खान के जन्मदिन को हम लोग जश्न योम शख्सियत के नाम से सेलिब्रेट करें, और आज ये संकल्प लिया गया, ये आज़्म लिया गया है कि सिकंदराबाद में सर सैयद के नाम पे दो लर्निंग सेंटर खोले जाएंगे, जहाँ पर गरीबों के बच्चे मुफ्त में या कम से कम बजट में अपनी शिक्षा पूरी कर पाएंगे, ताकि इल्म का चिराग गरीबों के घरों तक भी हम लोग जला सकें। और हम जी देखा जाता है AMU आए दिन विवादों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, क्या कुछ है? बस उसके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा काम है पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। कार्यक्रम के संरक्षक नितिन भटनागर ने मौके पर मौजूद श्रोताओं से सर सैयद के चलाए हुए शिक्षा के मिशन को हमेशा आगे बढ़ाने की अपील की। इस अभूतपूर्व कार्यक्रम को सफल बनाने में इश्तियाक अहमद, राहत महमूद खान, अतुल कुमार गौतम, विजय स्वरूप राही, मोहम्मद नईम, धर्मवीर सिंह, SGA नकवी, बदरुल इस्लाम अंसारी, इम्तियाज वकील, डॉक्टर मुर्शीद करीम, शादाब अखलाक, शरफराज अंसारी आदि ने अपना अमूल्य योगदान प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर फारूक खान ने किया। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शाकिर मलिक, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।